प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए इकाई 4 में द्रव्यमान केंद्र अध्याय का अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान केंद्र होता क्या है? किसी भी वस्तु के वह बिंदु जिस पे वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है, संकेंद्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वह किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पे वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। और द्रव्यमान केंद्र की गति वस्तु की गति को दर्शाती है। द्रव्यमान केंद्र की गति किसको दिखाती है? वस्तु की गति को दर्शाती है। यदि हम क्या करें, किसी वस्तु के बाह्य बलों को, जितने भी बाह्य बल कार्य करने लग रहे हैं, वो द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित किए जाएं, किस पे कर आरोपित किए जाएं? द्रव्यमान केंद्र पे आरोपित किए जाएं, तो क्या होगा? तो वस्तु की गति वैसी ही होगी जो द्रव्यमान केंद्र की होगी। मतलब एक वस्तु पर हम बहुत सारे बाह्य बल द्रव्यमान केंद्र पर लगाएं तो वस्तु की गति वही होगी जो द्रव्यमान केंद्र की गति होगी। अब हम क्या करेंगे, दो कणों का द्रव्यमान केंद्र की गणना करेंगे। दो कणों के, दो कणों का द्रव्यमान केंद्र, हमारे पास ये दो अक्ष हैं, हमारे पास दो कण हैं ए और बी। ए जिसका स्थिति निर्देशांक है ओ के सापेक्ष आर वन है, दूसरा कण बी है, इसका स्थिति निर्देशांक क्या है? आर टू है। कितना है? आर टू है। इस कण पर जो एम वन द्रव्यमान का है, इस पर कितना बल कार्य कर रहा है? एफ वन। इस कण पे कितना कार्य कर रहा है? एफ टू। इन दोनों को मिलाया, इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जिसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। और ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। इस कण पे आंतरिक बल काम कर रहा है एफ वन टू, इस कण पे भी आंतरिक बल कार्य कर रहा है एफ टू वन, पर दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। हमारे पास दो द्रव्यमान है M1 और M2, ये M2 है, A और B बिंदु पर रखे हैं, जिनके स्थिति सदिश वेक्टर R1 और वेक्टर R2 है। उनके बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जिसे द्रव्यमान केंद्र कहेंगे, जिसका स्थिति सदिश क्या है? RCM। ये F1 M1 द्रव्यमान पर बाह्य बल लग रहा है और ये F2 M2 द्रव्यमान पर क्या लग रहा है? बाह्य बल लग रहा है। तो कुल बल, पहले न्यूटन के द्वितीय नियम से, कौन से नियम से? न्यूटन के द्वितीय सॉरी तृतीय नियम से, तृतीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से क्या होगा? F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल बराबर परंतु विपरीत दिशा में। तो अब क्या हो जाएगा? F12 प्लस F21 इज इक्वल टू जीरो, पहले समीकरण। अब कुल बल कितना कार्य कर रहा है? F का मान कितना हो जाएगा? F1 प्लस F12, फिर M2 द्रव्यमान पे F2 प्लस F21। तो कुल बल कितना आ गया? F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21। अब ये तो शून्य हो जाएगा, तो कुल बल कितना बचा हमारे पास? F1 प्लस F2, और ये तो शून्य हो गया, प्लस शून्य। तो वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, ये समीकरण नंबर दो आ गया।
अब देखो F1 कितना हो गया, F1 हो जाएगा dP1 अपॉन dt, पहले द्रव्यमान के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा d बाई डी टी m1 v1 वेक्टर। भाई अपनी स्थिति तो बदल ही रहे हैं ना, वो तो कितना हो जाएगा, m1 बाहर आ गया, d बाई डी टी v1, v1 का मान कितना हो जाएगा, m1 d बाई डी टी dr1 अपॉन डी टी, क्या मान आ जाएगा, m1 d स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर r1 सदिश। ठीक, इसी प्रकार F2 का मान कितना हो जाएगा, M2 डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर R2। हमारे पास जो कुल बल लग रहा है, कुल बल F कितना होगा, कुल द्रव्यमान बटे इनटू द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब इधर देखेंगे इसको, एफ एम क्या हो जाएगा, डी बी सी एम बटे डी टी एम डी बाई डी टी, बी सी एम क्या आ जाएगा, डी आर सी एम बटे डी टी। तो वेक्टर एफ कितना हो गया, एम डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर आर सी एम। ये सभी मान F1, F2 और F के मान समीकरण दो में रखते हैं। किस में रखेंगे, समीकरण दो में, किससे, समीकरण दो में इन दोनों के मान अभी रखते हैं। हमारे पास समीकरण दो क्या है, हमारे पास देखेंगे जरा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इसका मान क्या है, m डी स्क्वायर आर सी एम बटे डी टी स्क्वायर, m1 डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर r1 वेक्टर प्लस m2 डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर r2 वेक्टर। अंदर m को ले लेंगे, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर एम आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर m1 r1 वैक्टर प्लस डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर m2 r2 वैक्टर। जब डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। तो आर सी एम आपके पास क्या आ जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ये कैपिटल M। अब हम आगे देखेंगे क्या होगा, अब इसमें तो आर सी एम हमें मिल गया, आरसीएम की हमने गणना कर ली, तो कुल द्रव्यमान हमारे पास क्या है, यहां एम इज इक्वल टू कितना है, यहां पे एम है m1 प्लस m2। तो आरसीएम कितना हो गया आपके पास, दो कणों के लिए m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास क्या मिल गया, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अगर हमारे पास n कणों के लिए, n कणों के लिए, ये तो दो कणों के लिए था, तो n कणों के लिए RCM कितना हो जाएगा, m1 r1 वेक्टर
प्लस एम टू आर टू वैक्टर प्लस एम एन आर एन वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन। तो ये पूरा द्रव्यमान किसके लिए मिला आपको, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, आर सी एम इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई। ये किसके लिए था डेरिवेशन, ये हमारा डेरिवेशन हो गया एन कणों के लिए, किसके लिए हो गया एन कणों के लिए। अब ये तो तीन अक्षों में हो सकता है, तीन अक्ष में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर ये तीन अक्षों के लिए हो जाए तो हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसके कार्तीय निर्देशांक क्या है, x1 x2 x3 xn y1 y2 y3 yn z1 z2 z3 zn जिसके कार्तीय निर्देशांक है, तो अब क्या होगा सूत्र हमारा, देखो हम कह रहे हैं यदि कणों के कार्तीय निर्देशांक क्या है, कार्तीय निर्देशांक क्या क्या है आपके, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 xn y1 कॉमा y2 कॉमा y3 कॉमा yn तथा z1 कॉमा z2 कॉमा z3 कॉमा zn, ये कार्तीय निर्देशांक है। तो कैसे लिखा जाएगा इसमें, अब वो नहीं आएगा, क्या वेक्टर साइन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn m1 प्लस m2 प्लस mn। YCM कितना हो जाएगा, m1 y1 m2 y2 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। और ZCM कितना हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ये इसके निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। हम इसे को कैसे लिख सकते हैं, यहां पे सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई एक्स आई सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई, इसको आगे लिख सकते हैं वन बाय एम सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई एक्स आई। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई वाई आई सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई वन बाय एम सिग्मा एम आई वाई आई आई इज इक्वल टू वन टू एन। इसको कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई जेड आई सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई, तो कितना आ गया वन बाय एम सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई और ये जेड आई। तो इस तरह से आप किसको किस में रख सकते हैं, इसे कार्तीय निर्देशांकों के रूप में भी आप इसकी क्या कर सकते हैं, सूत्र को लिख सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण केस आता है, क्या महत्वपूर्ण केस आता है, अगर जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो किस पे हो, वो कार्तीय तल के मूल बिंदु पर हो, कार्तीय तल के क्या हो मूल बिंदु पर हो, तो क्या हो जाएगा उस केस में, मूल बिंदु पे होने पे जिसे ओरिजिन कहते हैं, जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो क्या है मूल बिंदु पर है, किस पे मूल बिंदु पर,
तो मूल बिंदु पर होने पर आरसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। आपका आरसीएम क्या हो जाएगा? जीरो। आईसीएम जीरो हो तो मतलब एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू जीरो। एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं जब मूल बिंदु पे होंगे। अब हम क्या निकालेंगे? द्रव्यमान केंद्र की गति तथा संवेग संरक्षण। अगर संवेग संरक्षण का नियम लागू हो रहा है तो क्या होगा, किस स्थिति से ये काम करेंगे, ये हमें करना है। क्या हमारी हेडिंग है? द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति तथा संवेग संरक्षण। माना हमारा एक निकाय है जो n कणों से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? n कणों से जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है? m1 m2 mn है। तथा ये कण कितने वेग से गतिमान है? इनके वेग क्रमशः क्या है? वेग v1 v2 v3 vn है। इतने वेग से क्या है? गतिमान है। वेग आ रहा है तो वेक्टर साइन आ जाएगा। तो हमारा जो कुल संवेग है, कुल संवेग क्या हो जाएगा? वेक्टर पी एम वन वी वन वैक्टर एम टू वी टू वैक्टर प्लस एम एन वी एन वैक्टर। अब ये आपका पी है तो यहां वेक्टर पी किसके बराबर हो जाएगा? एम वी सी एन। ये कुल संवेग है, पूरी वस्तु जो n कणों से एक निकाय है उसका एक द्रव्यमान केंद्र होगा और वो द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से गति करेगा। तो यहां पे समीकरण क्या हो जाएगी हमारे पास? एम वी सी एम इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम एन वी एन। और इसको सूत्र रूप में भी हम लिख सकते हैं, वी सी एम इज इक्वल टू कितना हो गया? एम वन वी वन एम टू वी टू प्लस एम एन वी एन अपॉन टोटल द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान केंद्र के वेग की गणना कर सकते हैं। देखो हम जानते हैं डीपी बटे डीटी किसके बराबर होता है? एफ वाई ए बल होता है। यदि यहां पे एफ वाई ए बल शून्य है तो क्या हो जाएगा? dp अपॉन dt किसके बराबर आ जाएगा? जीरो। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा ना, नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? एम वी सी एम इज इक्वल टू नियतांक। ठीक है सर। तो VCM इज इक्वल टू, क्योंकि द्रव्यमान तो नियत होता है तो VSM भी क्या आ जाएगा? नियतांक हो जाएगा। इसका मतलब है अगर किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है किसी निकाय पर तो उसका द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग होता है। उसके द्रव्यमान केंद्र का क्या होता है? नियत वेग होता है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण। द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण, क्या होते हैं उदाहरण हमारे द्रव्यमान केंद्र की गति के? द्रव्यमान
केंद्र की गति के उदाहरण। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं बम का विस्फोट। किसका विस्फोट? बम, बम का विस्फोट। बम जब फटता है तो उसमें आंतरिक बल कार्य करते हैं। आपने चिंगारी दी, अंदर जो आपका फटने वाला भाग है वो फटेगा, पर वो आंतरिक बल कार्य करेगा। जो बम फटेगा, ये बम है आपका, ये एक कण जितना बल दूसरे कण पे लगाएंगे उतना ही बल दूसरा कण पहले कण पे लगाएगा। तो क्या होगा, बम के जो विभिन्न भाग है, जो विभिन्न भाग है वो विभिन्न वेग प्राप्त करेंगे, परंतु द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या रहेगा? शून्य रहेगा। बम फट के वहीं पर पड़ा रहता है। आंतरिक भागों का वेग अलग अलग होगा, लेकिन एक का बल जितना एक दूसरे, एक आंतरिक बल एक कण दूसरे पे लगाएगा, दूसरा कण पहले पे लगाएगा, उतना ही बल। दूसरा आता है हमारा पृथ्वी, चंद्रमा के द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति। कैसे करोगे इसकी गणना? देखो, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, मून। ये अर्थ होगी हमारी, पृथ्वी होगी, ये चंद्रमा होगा, ठीक है। और इनका द्रव्यमान केंद्र सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, लेकिन और अपनी अक्ष के परिता भी घूम रही है पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है? अपनी अक्ष के परिता भी घूमती है। और इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र, चंद्रमा और पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में गति करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच आंतरिक बल, दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाला आंतरिक बल क्या है? दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य तथा पृथ्वी चंद्रमा निकाय के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बाह्य बल है। जो बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लग रहा है आंतरिक बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आंतरिक बल है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी निकाय के बीच में जो बल कार्य कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, वो बाह्य बल है। इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा एक निकाय मानते हैं और वो किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है? गति करने लग रही है। फिर आता है रेडियोएक्टिव, रेडियो एक्टिव क्षय। क्या होता है रेडियोएक्टिव क्षय? हमारा एक मूल नाभिक है, मूल नाभिक। ये मूल नाभिक क्या होता है? जब टूटता है तो दो भागों में बंटता है, एक हल्का नाभिक, एक भारी नाभिक, भारी नाभिक। इसका द्रव्यमान M2 है और ये V2 वेग से जा रहा है। दोनों विपरीत दिशाओं में जाते हैं, परंतु जो हल्का होता है, जो हल्का द्रव्यमान है, हल्का नाभिक है, वो क्या होता है? ज्यादा वेग से जाता है। यहां पे V1 का मान क्या है बेटे? V2 से बहुत ज्यादा है। परंतु जो मूल नाभिक है, जो मूल नाभिक है उसका संवेग क्या रहता है? पूरे निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, जिसके कारण निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है? शून्य होता है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का क्या वेग क्या होता है? शून्य होता है। अब हम कुछ वस्तुओं के बारे में बात करेंगे कि उनका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया था, दृढ़ पिंड किसे कहते हैं? किसको? दृढ़ पिंड किसे कहते हैं?
वह पिंड जिसके कणों के बीच, जिस पर बाह्य बल लगाने पर कणों के बीच में कोई विस्थापन नहीं होता, कोई स्थिति परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? दृढ़ पिंड की। वह पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर कणों के बीच में कोई विस्थापन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं बेटे? दृढ़ पिंड कहलाते हैं। अब हम ऐसे ही कुछ दृढ़ पिंड लेंगे, उनके द्रव्यमान केंद्र को जानेंगे, क्रम संख्या हम यहां पे ले रहे हैं दृढ़ पिंड, द्रव्यमान केंद्र, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पे होता है, और यहां पे चित्र आ जाएगा। पहला हम लेते हैं ठोस या खोखला गोला, इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर। चित्र आ गया आपका, ये गोले के केंद्र पर आ गया। दूसरा, एक छल्ला, छल्ला जिसे रिंग कहते हैं, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पे होगा? छल्ले के केंद्र पर, छल्ले के केंद्र पर, और ये छल्ला है उसके केंद्र पर आपका क्या हो गया? द्रव्यमान केंद्र। वृत्ताकार चकती, इसका किस पे आ जाएगा? चकती के केंद्र पर, ये चकती है उसके केंद्र पर। बेलन, बेलन के अक्ष का केंद्र, बेलन के अक्ष का केंद्र, ये बेलन है आपका, ये अक्ष जा रहा है बेलन के अक्ष का केंद्र। त्रिभुजाकार पटल, त्रिभुजाकार पटल में क्या होते हैं? माध्यिकाओं के विच्छेदन बिंदु पे, माध्यिकाओं के कौन का विच्छेदन, क्या कहते हैं इसे? मध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, का विच्छेदन ही प्रतिच्छेदन बिंदु। ये आपका त्रिभुज है, माध्यिकाएं जहां पे मिल रही है वो उसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान केंद्र। अब हम बात करते हैं ठोस शंकु की, ठोस शंकु सॉलिड कोन, इसको मैं बताता हूं, ये जो आपकी ऊंचाई होती है शंकु की ऊंचाई, उसके आधार से 1/4 ऊंचाई तक, 1/4 ऊंचाई तक पूरी ऊंचाई का। और जो खोखला शंकु होता है, शंकु खोखला शंकु में क्या होता है? ये पूरी ऊंचाई क्या है? H है, यहां पे क्या आ जाएगा? H by 3 ऊंचाई था। तो ये विभिन्न वस्तुएं हैं, उनके केंद्र हैं, ये उनके चित्र हैं, जिनके द्रव्यमान केंद्र की मैंने आपको बताए कहां कहां पर है। बेटे मैं हर बार वीडियो के बाद कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से बहुत साधारण सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे भौतिकी आपकी समझ में आ जाए। और मेरा प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब आप कमेंट करेंगे, जब वीडियो को लाइक करेंगे, जब वीडियो को शेयर करेंगे। जैसे आपको समझ में आ रहा है, अगर दूसरे को नहीं समझ में आने लग रहा है, कोई और वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो नहीं देखी है उसने, तो उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मेरा प्रॉमिस है बेटा, इसी तरह मैं आपको यूट्यूब में साधारण सरल भाषा में बहुत की निर्विघ्न, मतलब बिना विघ्न के वीडियो प्रस्तुत करता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, आपको उपलब्ध कराता जाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। धन्यवाद।